ट्वीट कर प्रधानमंत्री का जताया आभार, कुछ ही समय में पहुंचेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। भाजपा प्रवक्ता के बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी का 70 विश्व क्षेत्रों में प्रदर्शन आज। 16 जुलाई से जागेश्वर धाम में शुरू होगा श्रावणी मेला, भक्तों के लिए कोविड नियमों का पालन होगा जरूरी। अमेठी के बाद गांधी परिवार के हाथ से खिसकेगी रायबरेली, दिशा में स्मृति बनी अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है यूपी के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में चूड़ी चुड़ाई मजदूरों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं तब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। इसी विरोध के चलते उन्होंने आज नगर विधायक मनीष असीजा का पुतला फूंका और नगर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुड़ाई मजदूरों का कहना है कि उनके जो संगठन के नेता हैं उन पर लगे मुकदमे वापस किए जाएं और जो चूड़ी जुड़ाई की रेट जो सरकार से मिलती है वो हमें पूरी दी जाए। जो अभी हिसाब हो रहे हैं वो कम रेटों में हो रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रामदास जो मानव है हमारे नेता, उनके ऊपर जो मुकदमा लगे हुए हैं उनको पहले तो हम वापस कराना चाहते हैं, उसके बाद में 3000 की रेट और मिट्टी का तेल और जो बड़ी खराब की कटौती होती है उसको हम हटना चाहते हैं। बस इसी मामले में हमारा ये धरना है। पुतला फूंका गया, किसका फूंका गया? पुतला इसी बारे में पूछ फूंका गया है, मतलब जो हमारी बीच में रोड अटका रहे हैं असिया जी, मतलब जो हमारी जो विधायक होते हुए भी सब काम करा सकते हैं और वो नहीं होने दे रहे हैं। मनीष असीजा का फूंका है साहब। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे मानव जो नेताजी हैं रामदास, उनके मुकदमा वापस लिए जाएं और उनके द्वारा समझौता किया जाए, हड़ताल खुल जाएगी। कब तक चलेगी हड़ताल? अब ये तो जब तक भैरव नहीं होता तब तक चलेगी। खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद मूड़ापाड़े दलपतपुर ब्लॉक पर सांसद रफीकुर टीवी हमान वर्ग सांसद चंबल की सांसद निधि से लगा पानी का प्याऊ लगभग 6 महीने से खराब पड़ा है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी में लोग साफ पानी पीने को क्षेत्र के लोग और यहां के दुकानदार तरस रहे हैं, तो वहीं साफ पानी का प्याऊ खराब पड़ा है, जिस पर इस प्याऊ पर सैकड़ों लोग गर्मी में पानी पीने की ललक में आते हैं, लेकिन प्याऊ की टोटी से जब पानी नहीं निकलता तो लोग और बच्चे मायूस होकर इस प्याऊ से कहीं दूसरी जगह पानी पीने को भटकते रहते हैं और बाद में कहीं दूसरी जगह जाकर दूषित पानी पीने को मजबूर होते हैं। इस पर मिठाई की दुकान करने वाले नईम का कहना है कि प्याऊ लगने के बाद से ही बार बार खराब होकर चल रहा था, जिसकी शिकायत हम दुकानदार और ठेले वालों ने प्याऊ लगाने वाले ठेकेदार से की थी। उस समय ठेकेदार ने भरोसा दिलाया था कि प्याऊ सही से चलेगा, लेकिन बीते 6 महीने से प्याऊ पूरी तरह खराब पड़ा है। इससे क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। सामने मेरा होटल है, जब से ये प्याऊ लगा है बस 15 दिन चला है, कम से कम 7-8 महीने हुए इस प्याऊ को लगे हुए, और इधर उधर का पानी पीते हैं, नलों में पानी अच्छा नहीं आता, तो जब से ये लगा कम से कम 15 दिन ही चला है फिर ये खराब हो गया प्याऊ। अब आपके सुनवाई, हम ये चाहते हैं हमारी सुनवाई होवे और ये ठीक होवे। प्याऊ पानी की कहाँ है, सरकारी नल भी बहुत दूर लगा हुए हैं, पीने आते हैं उनका सही ना आता, गर्मी पड़ रही है ठंडे पानी में जल जाता। क्या लोग यहाँ आते हैं पानी पीने? अरे बहुत आते हैं, ये 15 दिन लगा है यहाँ, बहुत पिया पानी लोगों ने, आते जाते मुसाफिर भी बहुत आते हैं। अब जब पानी नहीं मिलता इसमें लोग तो कैसे लौटते हैं, क्या कहते हैं? चले आते हैं, देख के अपने टंकी इस तरीके से दबाते हैं फिर चले आते हैं, इस तरीके से दबाते हैं टंकी बेचारे। बहुत मुसाफिर भी बहुत रोड चलता है, बिलों के सामने बराबर में बिलों का, यानी कि इसकी तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, बराबर में मुंडा पांडे बिलों लग गया। खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से। स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से रघुकुल हॉस्पिटल में लगातार हो रही मरीजों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिविल लाइन इलाके में रेलवे स्टेशन के पास स्थित रघुकुल हॉस्पिटल में एक और महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मौत के बाद बेदर्द अस्पताल संचालक और कर्मियों ने सबको अस्पताल से बाहर कर दिया। परिजनों के हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रघुकुल हॉस्पिटल ना तो स्वास्थ्य विभाग के मानक पूरे करता है और ना दमकल विभाग। कोई बड़ा हादसा होने पर दर्जनों जाने जा सकती हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग इस हॉस्पिटल को संचालन करने की अनुमति दे रहा है, ये जांच का विषय है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रघुकुल हॉस्पिटल है, जिसमें कल एक महिला आई थी जो डिलीवरी के दौरान, उसका बच्चा तो अभी सुरक्षित है लेकिन महिला की मृत्यु हो गई है, कुछ लोगों ने हंगामा किया है।
क्यों सर, क्यों हंगामा किया, क्या लापरवाही रही अस्पताल की? ये जांच का विषय है, इनसे तहरीर ली जाएगी और जांच की जाएगी और इसके संबंध में CMO से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ भी हुई है क्या, कोई घटना हुई है? तोड़फोड़ की घटना जाँच की जाएगी, इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर तोड़फोड़ की घटना होती है और पाई जाती है इसमें जांच के में, तो मुकदमा पंजीकृत। मरीज के तीमारदार कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, एक आदमी घायल भी दिखाई पड़ रहा है। ये जांच का विषय, जांच के बाद में कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया, बताया यार पीड़ितों को? अभी हिरासत में नहीं ले सकते, अभी कोई हिरासत में नहीं ले सकते, पहले जांच का विषय, जांच के बाद में हिरासत में किया जाए। इतना सर सब कुछ हो गया, क्या स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर अभी तक आया? स्वास्थ्य विभाग के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी भी आएगा। खबर है यूपी के सोनभद्र से। सोनभद्र अनपरा थाना क्षेत्र के रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट अनपरा निवासी 26 वर्षीय युवक की अनपरा के हनुमान मंदिर के झापी दाह झरने में डूबने से मंगलवार को मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवक चार दोस्तों के साथ हनुमान मंदिर के झापी दाह झरने पर पिकनिक मनाने गया था। झरने में युवक के नहाते समय डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के द्वारा मृतक के परिवार व स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने झरने में युवक को खोजने की कोशिश की, पर देर रात हो जाने की वजह से सब बरामद नहीं हो सका। आज तड़के सुबह गोताखोरों ने पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया तो मनीष का शव हाथ लगा। अनपरा कोतवाली पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुद्दी भेज दिया। ये घटना यहाँ जो है, ये कभी कभी पिकनिक में 2-3-4 लोग आए अपना, जो है कुछ लोग नहा रहे थे या कैसे क्या कर रहे थे, दो लोग अपना पता नहीं कैसे गए और एक लोग का ही मौत हो गया, पानी में डूब गया। कल से ही मतलब खोजबीन में लोग लगे लेकिन कोई पता नहीं लगा पाए। आज 2-3 दिन के दौरान भारी मशक्कत के साथ हम लोग खोजबीन करके अभी लाश निकाले और ये आपके सामने। खबर है उत्तर प्रदेश के बदोही से। बदोही में नकबजनी के अपराधों में वंचित 10,000 रुपए का इनामी अभियुक्त आधा दर्जन साथियों सहित गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 8 लाख के चांदी, सोने के स्वर्णाभूषण, 4 बाइकें, 2 अदद असले व चोरी के सामानों सहित 1,02,000 नगद बरामद हुए हैं। बदोही पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में चोरी नकबजनी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच थाना चोरी तथा प्रभारी निरीक्षक बदोही की संयुक्त टीम द्वारा 457-380 भादवी पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई। इधर 3-4 महीने से चोरियां काफ़ी, चोरी नकदनी जिले में काफ़ी बढ़ गई थी, उसी के क्रम में SP सर द्वारा क्राइम ब्रांच टीम को लगाया गया था। तो कल रात में क्राइम ब्रांच की टीम थाना चोरी और SHO भदोही के संयुक्त प्रयास से इन लोग करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौड़ी थाना क्षेत्र से शक्ति धाम आश्रम एक पड़ता है वहाँ से, और उनके पास से करीब 8 लाख रुपए के जेवरात, 1,02,000 रुपये नगद, 4 मोटरसाइकिलें जो ये विभिन्न चोरियों में प्रयोग किए थे घटनाओं में आने जाने के लिए, और शटर और दरवाजे वगैरह तोड़ने के लिए जो ये सामान प्रयोग में लाते थे उनको बरामद किया गया। हमारी जिले की करीब 13 चोरियों का अनावरण हुआ है, 13 चोरियों को इन लोगों ने करना कबूल किया है और बाकी और विस्तृत जांच की जा रही है। सर, ये किस तरह के लोग हैं, इसके पहले इनकी क्या स्थितियाँ, कितनी चोरियाँ करते थे, क्या? ये रामचंद्र मौर्या है, एक सातिर नकबजन और चोर है, उसी के गैंग के ये लोग सदस्य हैं। इसमें रामचंद्र मौर्या इसमें जेल में है, तो अब शिवपूजन विश्वकर्मा जो है ये गैंग लीडर बन गया है और ये नए लड़कों को अपने साथ रख के जो है चोरियों को अंजाम दे रहा है। अभी कितने लोग पकड़े गए हैं, किस तरह? अभी 7 लोग पकड़े गए हैं इस विभिन्न घटनाओं में, और इन लोगों ने करीब 13 घटनाओं को हमारे ज़िले की कबूला है, और भी कुछ इलाहाबाद में भी इन लोगों को चोरी करने की बात प्रकाश में आ रही है, उसकी भी गहनता से छानबीन की जा रही है। 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। इनकी आपराधिक घटनाएँ क्या है? इनका आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है, तो इसमें शिवपूजन विश्वकर्मा के ऊपर करीब 22 मुकदमे हैं, कैलाश दुबे हैं उनके ऊपर करीब 17 मुकदमे हैं, और सबके ऊपर कुछ न कुछ मुकदमे हैं। दया सरोज हैं, 15 मुकदमे हैं उनके ऊपर, नंतु बिंद हैं, 12 मुकदमे उनके ऊपर हैं, और भी थानों से पता किया जा रहा है कि किन किन थानों में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया है, तो विस्तृत जाँच की जा रही है।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।